साल से रानी मांग रही है अपने ही सरकार से सड़क और विकास। आगरा भारतीय जनता पार्टी की विधायक रानी पक्षलिका सिंह अपने क्षेत्र के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक हाईवे को निकलवाने के लिए दो साल से अपनी ही सरकार से आग्रह कर रही हैं। अभी तक उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जन्म स्थली बटेश्वर को पर्यटन स्थल का दर्जा देने और बटेश्वर को पशु मेले की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार द्वारा लिए जाने की भी उनकी मांग है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। सर्किल से विशेष बातचीत में रानी पक्षलिका ने बताया कि झांसी से इटावा होते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित होने के बाद हमारी मांग थी कि यह बहा होकर जाए। बाद में इसे बुलंद खंड हाईवे बना दिया गया और यह मांग तभी भी जारी रही। इस काम के बीच में एक दो किमी चंबल सेंचुरी आड़े आ रही थी, तो हमने उसे थोड़ा और खिसका कर निकालने पर बा होते हुए निकलने की मांग की। यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और यहाँ उद्योग तभी लगेगा जब फैक्ट्री वाला यह जानेगा कि वो अपना माल यहाँ इस रास्ते से भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी बहाटेश्वर का विकास प्रशासन को आदेश नहीं हुआ, पर पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने 10 करोड़ रुपए म्यूजिशियम और स्मारक आदि के लिए आवंटित करने की बात कही। समय से आप एक सड़क की मांग करते चले आ रहे हैं, तो क्या मांग है? जब अटल जी थे तब भी ये मांग थी कि एक स्टेट हाईवे जो बन रहा था झांसी से लेके इटावा ना जाए लेकिन बाह होते हुए आए। वो कब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया ये नहीं जानते हैं, लेकिन ये बाह होते हुए बटेश्वर होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आ रहा था, जिसकी हम लोग की भी मंजूरी हो गई थी। बाकी मंजूरी इसमें हो गई थी और ये सड़क के लिए भी। अब सुन रहे हैं सेंचुरी की वजह से शायद इसमें थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। मेरा सुझाव और मेरी मांग सरकार से, अगर सेंचुरी की बात ही है तो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर सेंचुरी के बाहर ले जाए, लेकिन तब भी वो इस क्षेत्र से होते हुए ही आए। क्योंकि विकास, अगर सही में विकास कोई क्षेत्र को चाहिए तो एक नेशनल हाईवे होना या स्टेट हाईवे होना बहुत जरूरी चीज है, तभी विकास हो सकता है, इंडस्ट्री आ सकती है। जब तक फैक्ट्री को ये नहीं मालूम है कहाँ से हमारा माल आएगा, कहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आएगी, कहाँ से हमारा प्रोडक्ट जाएगा, तब तक थोड़ी दिक्कत होती है। और ये जो बेल्ट जिससे हम लोग मांगे थे बुंदेलखंड से लेके भदावर बा होते हुए, ये ऐसा बेल्ट है जो पिछड़ा रहा है, गरीब रहा है, और ऐसी सड़क आने से बहुत बहुत विकास होगा, बहुत राहत लोगों को मिलेगा। तो इसमें अड़चन क्या आ रही है? जो समझ में हमको आ रहा है सेंचुरी वाली ही बात हो रही है कि चंबल सेंचुरी होने की वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार है, मुझे लगती है कहीं ना कहीं इसमें वो लोग रास्ता ढूंढ सकते हैं। और ये भी मांग थी साथ साथ में कि बटेश्वर एक पर्यटन स्थल बनाया जाए। सबकी आस्था है भोलेनाथ की, जो एक बहुत बड़ा स्थल है जैनियों का, नेमिनाथ उनके तीर्थंकरा के का स्थल शौरीपुर जो बगल में ही है बटेश्वर के, और जो बटेश्वर का मेला होता है कार्तिक का मेला, ये उत्तर प्रदेश के चार बड़े मेलाओं के अंदर आता है अभी भी पशु मेलाओं में। अब हमारी मांग थी कि सरकार उसको ले ले, जैसे पुष्कर का मेला राजस्थान में है उस तरीके से बटेश्वर का मेला भी बनाया जाए और पर्यटन इधर भी आने लगे। पीएम मोदी आगरा आ रहे हैं, क्या उम्मीद है बटेश्वर को लेकर पीएम मोदी से? देखिए, ये बटेश्वर इतना लाइमलाइट में आया है प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के पैतृक स्थान होने से। हम लोग भी मांग उन्हीं के नाम से तब भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, और ये मांग है कि हाँ हमारी सड़क आए, बटेश्वर होते हुए आए, बटेश्वर पर्यटन स्थल के रूप से माना जाए,
और विकास इस क्षेत्र में हो। घोषणाएं हुई थी अटल जी के निधन के बाद बाहर गई, लेकिन अभी तक कोई भी जमीन स्तर की नहीं दिखी। जी ये बात सही है, अभी लाइमलाइट में नहीं आया है, प्रशासन पे नहीं पहुंचा है, लेकिन माननीय मंत्री पर्यटन रीटा बहुगुणा जी ने कहा है कि 10 करोड़ दिया जा रहा है घाट और संग्रहालय और जो स्मारक बनना था उन तीन चीजों के लिए 10 करोड़, और इसको ये मान के चलिए कि पहला ही इंस्टॉलमेंट है, ये उनका भी कहना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी यही कहना है।